हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और शाम के बज रहे हैं 6:30 हो रहा है, 6:30 हो रहा है। और आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं भुट्टे खाने। हम इस सीजन में अभी तक भुट्टे नहीं खाए, जो घर पे बने थे ना एक दिन बस वही खाया था। तो आज हम भुट्टे खाने जा रहे हैं क्योंकि मुझे बाहर के भुट्टे पसंद आते हैं, सभी हम भुट्टे खाने जा रहे हैं। टुकू नहीं आ रहा साथ में क्योंकि उसके पेपर्स चल रहे, तो टुकू बोला मैं प्रिपरेशन करूंगा। और टिनटिन भी नहीं आ रहा है, वो बोल रहा वो वैसे भी भुट्टे नहीं खाता है। तो हम दोनों ही जा रहे लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे, तो आप भी चलो साथ में हमारे। और आज मेरी कोई तबीयत खराब नहीं है, आज कोई कंप्लेन नहीं है, आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ। चलो चलते हैं फिर भुट्टे खाने। चलो हम दोनों आ गए बाहर जा रहे, और आज हम बहुत दिन बाद घर से बाहर निकले हैं। मुझे नहीं याद है कि लास्ट टाइम हम कब घर से बाहर ऐसे दोनों हम दोनों निकले थे। अभी हम जाएंगे भुट्टे खाने। हमारे घर से बहुत दूर नहीं है, तो पीछे बहुत सारे हमारे घर के थोड़े पीछे ही हाईवे पे ऐसे भुट्टे रोड साइड पे सिकते हुए वो बेचते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे खाने में वाले भुट्टे, तो हम वही खाने जा रहे हैं। और बाहर ना जब मैं घर से निकली तो पता चला हल्की हल्की बारिश हो रही है, घर में पता नहीं चल पाया। हम बारिश के मजे लेंगे और भुट्टे खाएंगे। बारिश बहुत तेज नहीं है लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकेंड। यहाँ पे ग्लास पे थोड़े थोड़े पानी, हल्की हल्की बारिश हो रही है। भुट्टे खाने के ना मजे दोगुने हो जाने वाले हैं ऐसी बारिश में। हल्का हल्का बारिश होगा, भुट्टे खाएंगे। बच्चे नहीं आए तो उनका लेके जाएंगे हम, क्योंकि वो बोल नहीं आना है उन्हें। अभी हम चलते हैं और भुट्टे इंजॉय करते हैं। और मैंने सोचा क्यों ना आपको बाहर का नजारा भी दिखाया जाए, साथ में ब्लॉग भी चलता रहेगा, बातें भी होंगी और बाहर भी दिखेगा। मेरा नेक में पेन अभी इसलिए नहीं हो रहा है ना क्योंकि मैं डेली बेसिस पे एक पेन किलर खा रही हूँ, जो कि मेरे नेक में मेरा जो पेन है वो काफी कम कर दिया है। मुझे उसी वक्त पेन होता है जब मैं बहुत तेज छींकती हूँ या खांसती हूँ, वरना मेरा पेन ऐसे बहुत हद तक अभी सही है। हम अभी जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो हम उनसे पूछेंगे क्या मैं यही वाली पेन किलर को कंटिन्यू कर सकती हूँ, क्योंकि जो डॉक्टर ने मुझे पेन किलर प्रिस्क्राइब करा है ना उससे मुझे इतना रिलीफ नहीं मिलता जितना इससे मिल रहा है। मैं अभी कफ कोल्ड फीवर वाली जो मेडिसिन खा रही हूँ उससे मुझे काफी रिलीफ है। मेरे नेक में बस इतना ही पेन होता है जब मैं इससे कुछ इस तरीके के काम करती हूँ, इस तरीके का कोई मूवमेंट होता है लाइक छींकना खांसना या झुकने वगैरह पे या झटके से नेक को, क्योंकि पेन नहीं है ना तो मैं भूल जाती हूँ कभी कभी कि मेरे नेक में पेन भी है। मैं कभी कभी एकदम से ट्विस्ट एकदम बैक कर लेती हूँ नेक जब मुझे थोड़ा बहुत पेन होता है, ऐसा बहुत तेज नहीं होता है। ये था अपडेट। मेरा नेक का पेन है बट अभी हाँ मैं मेडिसिन की वजह से वो काफी हद तक वो कम है। अच्छा लगा जब इस तरीके के अच्छे कमेंट्स आते हैं ना तो पढ़ के बहुत ही मजा आता है और काफी अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट मुझे लिखे उसके लिए थैंक यू। एंड बहुत सारे नहीं है लेकिन वो एक दो कॉमेंट्स भी अगर आता है ना और कोई आपके लिए इस तरीके से पूछता है या आपके हाईवे पे शाम का टाइम है, वेदर कितना खूबसूरत हो रहा है, बहुत ही अच्छा वेदर हो रहा है और मजा आ गया। मतलब ऐसे वेदर में घर से बाहर निकलो कितना अच्छा लगता है ना। हम दोनों कहाँ जा रहे हैं? भुट्टे खाने। और कैसा लग रहा है बच्चे को घर पे छोड़ के आके? नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा कभी कभी अपने लिए टाइम निकाल लेना चाहिए। हमने बहुत बोला बच्चों को साथ चलो लेकिन बच्चों को हमारे साथ नहीं आना था, तो हम क्या करते। तो हम दोनों ने कहा चलो आज हम ही चलते हैं बाहर। बट ठीक है, कभी कभी ना अकेले भी आना चाहिए। आपको बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा लेकिन आपके चेहरे से ऐसा लग नहीं रहा है। हमारे घर के पीछे ही ना बहुत ज्यादा दूर नहीं, थोड़ी से दूर पे ही यहाँ से वॉलमार्ट भी काफी पास होता है, तो हम अपने घर की ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए भी यहाँ आ जाते हैं कभी कभी। काफी रिजनेबल पड़ जाता है, लेकिन जब भी हम यहाँ आते हैं ना तो हम जरूरत से ज्यादा ही सामान खरीद लेते हैं। अभी हम अवॉइड करते हैं कि हम इधर कम ही आए, नहीं तो बहुत सारा सामान खरीदने में आ जाता है। बहुत पास है हमारे घर से। वापस मैं आपको दिखा रही हूँ वेदर कितना खूबसूरत हो रहा है। और अगर आपको भी इस तरीके से ना बाहर बारिश हो रही हो हल्की हल्की और ड्राइव पे जाना पसंद हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और आप जिस शहर से भी बिलोंग करते हो, आपके शहर में बारिश हो रही है और अगर हो रही है तो आप गए या नहीं गए लॉन्ग ड्राइव पे, तो मुझे जरूर कॉमेंट करके बताएं। या भुट्टे आपने खाया या नहीं खाया अभी तक इस सीजन का, और बताएं आप कुछ। मैं आपके साथ जबरदस्ती कहीं बाहर आने के लिए थोड़ा सा यानी आपको मेरे साथ आने का मन नहीं था, ऐसा बोल नहीं सकते, ऐसा बोल नहीं सकते हो डर। सीट बेल्ट लगा लो। मैं
ये अपना काम कर रहे थे बैठ के और मैं एकदम से पीछे पड़ गई कि नहीं मुझे तो बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, सो मुझे बाहर लेके चलो। और यहाँ से शुरू हो जाता है, भुट्टे वाले यहाँ से बैठना चालू हो जाते हैं, इस साइड से भी आपको दिखेगा। सो ये रहा, यहाँ से चालू हो जाते हैं, काफी दूर तक ये बैठने हैं ऐसे थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे। तो लोग देखो किस तरीके से गाड़ियां लगा लगा के भुट्टे एंजॉय कर रहे, बच्चे पता नहीं क्यों नहीं आए, आना चाहिए था। वैसे टुकू के तो पेपर चल रहे तो कोई बात नहीं, वो टिंटिन नहीं आया, उसे तो पसंद ही नहीं है भुट्टे, वो घर पे भी नहीं खाता है। सो हम अभी इन्हीं में से कहीं पे रुकने वाले हैं और खाएंगे, कहीं एंजॉय करेंगे, थोड़ा आगे और निकल के देखते ताकि थोड़ा ज्यादा टाइम लगे वरना फिर तुरंत ही फटाफट खाओ और घर चले जाओ, इससे थोड़ा आगे जाके हम कहीं पे खाएंगे रुकेंगे। सो बेसिकली ये अपना काम कर रहे थे और कल से सावन स्टार्ट हो रहा है, तो मेरा व्रत होता है सावन में, मेरा क्या हम दोनों का ही व्रत होता है, हम दोनों सिर्फ एक टाइम खाना खाते हैं, तो फिर वो सीजन निकल जाएगा और हम भुट्टे नहीं खा पाएंगे। अब जब हम खाना खाएंगे तो उस टाइम पे भुट्टे तो खाएंगे नहीं, सो मैंने कहा कि नहीं आज लास्ट डे है, आज तो या तो आप मुझे कहीं बाहर डिनर पे लेके चलो नहीं तो मुझे भुट्टे खिलाओ। तो पतिदेव को लगा ये भुट्टे वाला आइडिया ज्यादा सही है, सस्ता एंड टिकाऊ, सो ये यहाँ लेके आ गया। लेकिन मैं इसमें ही बहुत खुश हो रही हूँ क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा मुझे मिल गया है। सो आज कोई रेसिपी नहीं होगी, आज मैं भी आपको अपने ब्लॉग में सिर्फ भुट्टे ही खिलाने वाली हूँ, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। और पतिदेव भूल गए कि उनकी बीवी टूटी फूटी है, वो तभी से गाड़ी इस तरीके से ड्राइव कर रहे हैं, मेरे गले में पेन है अभी भी नेक में, वो जितने भी जर कार है सबको इग्नोर करते हुए टटक टटक गाड़ी चला रहे हैं। सो जैसी है आगे देख लो, मुझे ना देसी पसंद है और इन्हें अमेरिकन जो होते हैं भुट्टे वो पसंद है, मुझे वो बहुत मीठा मीठा सा लगता है तो मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। सो वहाँ पे तो नहीं मिला, आगे देख लेते हैं यहाँ कहीं पे अगर मिलता है तो। इस तरीके से लोग क्यों अमेरिकन है क्या, अमेरिकन है देसी तो आप अपनी ले लो ना, मैं आगे से ले लूंगी उधर पीछे से नहीं तो। सो यहाँ से कितनी अच्छी ये सड़क है ना, बहुत ही सुंदर है, हाँ बहुत ही सुंदर है। इधर पूछ लो, इधर मिल जाए कहीं, दिख नहीं रहा इनके पास, तो आप इधर पीछे वाले से ही ले लेते ना। और हाँ कहीं और लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे हम, अच्छा मुट्ठा देखेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दो जगह पे पूछा, कहीं पे अमेरिकन था तो देसी नहीं था और एक जगह पे देसी है तो अमेरिकन नहीं है। सो हम दोनों की चॉइस बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। जो मुझे पसंद है खाने में वो बहुत ज़्यादा मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, सो हम दोनों की चॉइसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब मिसमैच है। कभी कभी मुझे क्या लगता है ना, अपने लिए टाइम निकाल लेना चाहिए, इतना ज़्यादा वर्क का लोड लेकर के लाइफ में नहीं चलना चाहिए। अगर आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा थक रहे हो ना तो ब्रेक ले लो। और यहाँ पे बहुत गड्ढे वाले रास्ते हैं तो मैं सीट बेल्ट भी लगा लूँ और देखते हैं फिर जहाँ रुकती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैं राइट हैंड से ना अपना फोन पकड़ी हुई हूँ और फिर मुझे पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो हम उस साइड से दूसरे साइड पे आ गए और लग रहा है हमें कि हम इसी तरीके से घूमते रहेंगे और आज भुट्टे खाने को मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि धीरे धीरे ना अंधेरा होता जा रहा है, घर जाके डिनर भी प्रिपेयर करना है और क्योंकि टुकू के एग्जाम चल रहे हैं तो थोड़ा उस पर भी ध्यान देना होता है, वरना बच्चे उतना पढ़ाई पे इसको लेके सीरियस नहीं होते। वैसे तो खुद ही पढ़ लेता है वो, लेकिन फिर भी घर पे रहो तो बच्चों को रहता है कि पेरेंट्स आसपास हैं तो पढ़ते रहते हैं। सो अभी बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा है बारिश की वजह से, सब कुछ ऐसा ना ऐसा हो गया फॉगी फॉगी सा, क्योंकि हम एसी चला के बैठे हुए हैं ना इसलिए। और यहाँ सिर्फ खेत ही खेत है साइड पे, और पहले ना यहाँ पे ना डीकैथलॉन था जो कि अभी यहाँ पे बंद हो गया है। अच्छा आप तो बता रहे थे बंद हो गया, चेंज होने वाला, और चेंज अभी तक हुआ नहीं, तो उसका जो कैंपस है ना काफी बड़ा है। सो हम पहले क्या करते थे ना, जब शाम को हमें गर्मियों में बच्चों को मन नहीं लगता था तो हम डीकैथलॉन आ जाते थे, वहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट एक्टिविटी होती है तो दोनों बच्चे थोड़ी देर खेल लेते थे और हम भी वहाँ पे थोड़ी देर पार्किंग में बैठ गए। वहाँ पे एक छोटा सा ना टी स्टॉल जैसा है, वहाँ पे बहुत अच्छे सैंडविच मिलते हैं तो हम वहाँ पे सैंडविच खा लिए, चाय पी लिए और बच्चे थोड़ा खेल भी लेते थे, फिर ऐसा हम लोग किया करते थे। सो सुनने में आ रहा है जगह बदली जा रही है, यहाँ से शिफ्ट होके कहीं और जा रहा है। थोड़ा सा लगा कि हमारे घर से बहुत पास था ना तो काफी इजी हो जाता था, क्योंकि बच्चों को स्पोर्ट्स वाली चीजें देख के वो ऐसे एक्साइटेड हो जाते हैं और टिंटिन को तो बहुत ही मजा आता था यहाँ पे। सो हम फिर से आ गए एक नई जगह पे, देखते हैं यहाँ पे हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या पता नहीं।
यहाँ पे भी लग नहीं रहा देख करके, है ना, लगा के पूछ के आ रहे नीचे से, तो ये जा रहे पूछने जब तक मैं गाड़ी में ही बैठती हूँ, क्योंकि बारिश अब ना थोड़ी सी तेज हो गई है, अब गीले हो जाओगे। आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा पीछे डीकैथलॉन है, तो यहाँ पीछे उसका कैंपस स्टार्ट होता है, हम उसके ठीक सामने में है, यहाँ पे ही भुट्टे पीछे मिल रहे हैं, तुम यहीं से खाने वाले हैं शायद, क्योंकि यहाँ मिल रहा है। और यहाँ पे बहुत सारी इस तरीके की ना खेत ही खेत है साइड में, हाईवे के साइड पे, सो अच्छा लगता है। गर्मियों में भी जब हम यहाँ आते थे ना तो गाड़ी अंदर कैंपस में लगा लेते थे डीकैथलॉन के, काफ़ी बहुत ही बड़ा उनका कैंपस है, सो यहाँ से शिफ्ट हो रहा है, थोड़ा सा तो बुरा लग रहा है। लास्ट ईयर तो हम ना बारिश में कई बार आए थे डीकैथलॉन, क्योंकि वहाँ पे बच्चे तो ना गीला होते थे, कुछ ना कुछ स्पोर्ट एक्टिविटी उनका लगा रहता था। सो अभी ख़त्म हो जाएगा, पता नहीं वो कहाँ शिफ्ट करने वाले, देखते हैं जहाँ भी शिफ्ट होगा, बच्चे तो जाएंगे ही डीकैथलॉन। सो अच्छा जगह था ये, काफ़ी अच्छी लगता था यहाँ करके, और ग्रीनरी कितनी अच्छी लगती है ना बारिश में, ग्रीनरी हर जगह ग्रीन 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 देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। सो मेरे भुट्टे आ गए हैं, दूर से लाना पड़ गया, यहाँ पीछे जहाँ पे हम रुके हैं यहाँ तो नहीं मिल रहा था, और बारिश तेज हो गई, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी तो काफी बारिश हो रही है, थोड़ी सी मैं भी गीली हो गई, मैंने कहा इतनी दूर आ ही गए हैं तो बारिश का मजा लिया जाए। आप भी जरूर बताना कि आपको देसी वाले पसंद है या अमेरिकन भुट्टे पसंद है, मुझे तो अमेरिकन बहुत नहीं पसंद आते, वो बहुत मीठे मीठे लगते हैं, मुझे देसी ही पसंद आते हैं। मजे आ गए, मतलब पता नहीं क्यों मुझे घर पे सीखे हुए भुट्टे खाने में ना उन्हें मजा नहीं आता है, तो बहुत चटपटा सा मसाला लगा होता है ना शायद इसलिए। सो आ गए आपके भुट्टे इनके वो विदेशी भुट्टे, मेरे तो देसी है भाई, मैं देसी बंदी हूँ इसलिए मुझे देसी भुट्टे ही पसंद है। सो आप दो भुट्टे खाओगे? नहीं, टुकु के लिए। एक टुकू के लिए। और वेदर कैसा है बाहर का? बहुत बढ़िया ना, तो हम चाय पे चल रहे हैं ना, चलें चलें बगल पे। नहीं डियर लो, नहीं जाना इधर, नहीं जाना आगे कहीं पे चाय हो ना, वहाँ चलते हैं। ठीक है। यस, सो टिंटिन आप क्यों नहीं आए हमारे साथ भुट्टा खाने? हाँ, टिंटिन को कॉर्न भुट्टे पसंद नहीं है तो टिंटिन नहीं खाया, सो मैं घर आ गई और टुकू को दे दिया है मैंने भुट्टे खाने को, सो वो अपने फ्रेंड के साथ बात करते करते अपना भुट्टा एंजॉय कर रहा है। और बारिश बहुत ही तेज हो गई है, आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, सो उधर हाईवे पे तो बहुत ही ज़्यादा था मेबी, सो बहुत ही तेज बारिश हो रही थी, यहाँ पे भी काफ़ी तेज बारिश हो रही है। और घर पहुँचते पहुँचते 7:45 हो चुका है, बाहर बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और मेरा डिनर का टाइम भी हो गया, मैं 8 बजे तक डिनर कर लेती हूँ और सबको करा देती हूँ, आज लेट हो गई। सो अभी फटाफट जाती हूँ, डिनर प्रिपेयर करती हूँ, आज क्या बनेगा डिनर में पता नहीं।